हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप देख पा रहे हैं मेरे पास आया हुआ है टीवीएस सिस्टर सिटी 110 CC। आज इस बाइक का कारण का समस्या हो रहा है, इसलिए इसको पहले सीट टैंकी मैंने ओपन कर लिया। अभी चाबी को ऑन करने के बाद इधर देखिए, इसका लाइट लाइट भी आ रहा है। अभी इसमें करंट आ रहा नहीं आ रहा है। साहब मारो, देखो करंट नहीं आ रहा है। इसका इस समस्या हो रहा है, इसको कैसे किस तरह से सॉल्व किया जाता है, एक एक पार्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और दिखाने की भी दोस्तों। और पूरा वीडियो देखिए, देखने वक्त के बाद आप लोग अच्छा लगे तो जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरा नेक्स्ट वीडियो बनने के लिए बेल बटन को जरूर दबाइए दोस्तों। आइए, एक एक पार्ट कैसे चेक करना है। अभी पहले मेरे को मैग्नेट साइड जाना है, मैग्नेट साइड जाके उधर जो मैग्नेट साइड के आर्मीचर से जो वायर आ रहा है, कौन सा काम का है, एक एक करके देखो। पहले RR यूनिट को निकाला, किसने नया नया डाला। अभी इधर करंट कैसे चेक करना है और कौन सा काम का है। ये जो प्लेन सादा वाला जो वायर आ रहा है नीचे से, ये वाला आ रहा है पिकअप कॉइल से, और ग्रे और ब्लैक कलर बॉडी आर्थ है। उसके बाद जो सादा के साथ लाल वाला है, सादा के साथ लाल वाला वो चार्जिंग का है। उसके बाद जो पीला वाला है, ये जो पीला वाला आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पीला वाला लाइट का है। और उसके बाद जो ये वायर बचा हुआ वायर है, ये वाला न्यूट्रल लाइट का है। अभी इधर करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे चेक करना है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले इसको बोला, अभी स्टार सिटी के एक प्रॉब्लम आता है, ये जो वायर है अंदर से आपस में एक साथ ही रहता है, अंदर से काट जाता है तो इधर करंट नहीं आता है, इसलिए इसको पहले चेक करना ज़रूरी है। कैसे चेक करना है, मेरे को इस सादा के साथ जो लाल वाला है इस वायर को चेक करना है, और पीला वाला भी चेक करना है, लाइट कॉइल भी सही है कि नहीं है। ये दोनों के जरिए से इस बाइक स्टार्ट लेता है, और पिकअप कॉइल भी है अलग से। उसके बाद CDI को भी चेक करना है, कैसे कौन सा वायर में करंट आता है, उसके बाद किधर जाता है वो भी देखना है। अभी पहले पीला वाला में एक वायर डाल रहा हूँ, उसके बाद बॉडी में टच करके इधर करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखना है। किक मारा, आपको इधर ही देखने की कोशिश करो, देखिए करंट आ रहा है। उसके बाद सादा के साथ लाल वाला जो वायर है उसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखना है। मारो, ये करंट आ रहा है, उसका मतलब मेरा मैग्नेट से जो करंट ऊपर आना चाहिए वो आ रहा है। और इधर दोनों वायर में अंदर से काट जाता है तो अब एक एक करके करंट नहीं आता है, दोनों आपस में इसी तरह जोड़ना है, जोड़ के आपस में टच करना है, पीला वाला और सादा के साथ लाल वाला को आपस में टच करने करंट आता है तो आपको समझना चाहिए इसका अंदर से जो वायर है अंदर से आ रहा है, उस वायर के अंदर कहीं कट गया है। मैंने इसको इधर जोड़ दिया। अभी CDI का कौन सा का देखिए, ये जो दो वायर इधर से दो वायर दिखाई दे रहा है, ये वाला पिकअप कॉइल से आ रहा है, पिकअप कॉइल से देखिए, पिकअप कॉइल से नीचे से देखिए, नीचे से सादा आ रहा है, उसके बाद सादा के साथ काला वाला आ रहा है, इधर देखिए सादा के साथ काला वाला है, उसके बाद ये पिकअप कॉइल से आ रहा है, और ये मेरा आउटपुट है, ये ST कॉइल में जा रहा है, एक बॉडी आर्थ है, ये वाला बॉडी आर्थ है जो इधर हल्का, देखिए जो इधर हल्का सादा के साथ ज़्यादा काला वाला है, ये बॉडी आर्थ है, और इधर
ज़्यादा सादा वाला के साथ काला वाला है, ये पिकअप कॉइल से डायरेक्ट आ रहा है, ये बॉडी अर्थ है। उसके बाद ये सीडीआई के अंदर कौन सा एयर में करंट आना चाहिए, अभी ग्रे कलर है, एक ग्रे कलर का जो वायर है इसमें करंट आना चाहिए। आपका बैटरी ख़राब है तो किक दबाने से इधर करंट आना चाहिए। देखिए मैंने करंट इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये करंट आ रहा है, करंट आ रहा है, इसका मतलब मेरा सीडीआई के अंदर करंट आ रहा है। दोस्तों ये काम करने के टाइम आराम से कीजिए, जल्दी करने की ज़रूरत भी नहीं है, आराम से काम कीजिए। उसके बाद एसटी में करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है वो देखना है, कैसे देखना है। अभी इसको फिट करने के बाद ये मेरा अभी इसको इधर ही डाल रहा हूँ। मेरा सीडीआई से सीडीआई के अंदर करंट आ रहा है। उसके बाद इधर वायर टच करने के बाद भी करंट आ रहा है और एसटी से करंट नहीं जा रहा है। देखिए मैंने देखने की कोशिश भी कर रहा हूँ, आपको थोड़ा देखिए इधर करंट आ रहा है, इधर करंट आ रहा है दोस्तों। उसके बाद इधर आके ज़्यादा वोल्ट बनाने के बाद इधर छोड़ता है, इधर तो करंट आ ही रहा है। उसके बाद इसको पहले जैसे था वैसे ही डालना है, डालने के बाद करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखना है। मारो साहब, देखो करंट नहीं आ रहा है, करंट नहीं आ रहा है अभी तक, करंट इधर नहीं है। एक किल स्विच इधर, एक किल स्विच बनाया था इधर, आप देख पा रहे एसटी का जो पॉजिटिव वायर आ रहा है जो जिसमें करंट आता है, उस करंट के जरिए से इधर किल स्विच बनाया, ये वाला किल स्विच। इधर आपस में कहीं पर कट गया कि नहीं कटा वो देखना है। इसके अंदर ए काची को लिया, इधर जो किल स्विच था उसको मैंने अभी बंद करने वाला हूँ। देखिए ये जो किल स्विच टेप वगैरह इधर भी टेप किया है। उसके बाद और दूसरा जगह में भी देखना चाहिए, इधर भी सही था, हो सकता है किल स्विच सही नहीं है, ख़राब हो गया है, और हो सकता है इधर भी वायर आपस में जोड़ा नहीं है, काट गया है। मैंने इधर खोलने के बाद आपको देखना दिखाता हूँ। देखिए इधर भी जोड़ा है, और देखिए दोस्तों ये जो वायर यहाँ से काटा हुआ था दोस्तों, इसलिए अब मेरा को ज़्यादा परेशानी में डाला था, इधर से करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों। मैंने किल स्विच को वायर को अभी दोनों को आपस में डालने के बाद करंट तो आना चाहिए, टेप को टेप करता हूँ। टेप करने के बाद इधर ज़्यादा परेशानी हुई, एक एक करके सभी को चेक करने पड़ा। इधर ही किल स्विच बनाया, मैंने पहले देखा भी नहीं इसलिए ज़्यादा मेरे को अभी किक मारो। देखिए करंट आ रहा है, अभी मैंने कैमरे का फ्लैश ऑफ करके दिखाता हूँ, मारो
करंट आ रहा है, उसका मतलब मेरा जो किसी ने इधर जो किल स्विच बनाया था, ये जो किल स्विच ये ऑफ करने से बाइक स्टार्ट नहीं लेता था, इसलिए इसको बनाया था। इसको जो वायर था इधर से एक वायर कटा हुआ था, इसलिए स्टार्ट का प्रॉब्लम आ रहा था दोस्तों मैंने जो कम दिखाया, आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरा नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए बेल बटन को ज़रूर दबाइए दोस्तों। आज इतना ही, बस ओके बाय, ज़्यादा रात हो गया, बाय ओके।